जहालत व जुल्म, इंतशार व अफरा तफरी, शिर्क व गुमराही का दौर दौरा था कि रब ताला ने नया दीन तलू किया, नया दिन तलू किया और ऐसी रोशनी भेजी जिसके ज़रिए ये तमाम अंधेरे ख़त्म हो गए, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब ताला ने उनकी तारीफ़ यूँ बयान की, बेशक आप अखलाक के आला दर्जे पर फायज़ हैं, लिहाजा आपकी ज़ात मुबारक में तमाम अकमल और बेहतरीन सिफात को ऐसे जमा कर दिया कि कोई और इंसान इन तक नहीं पहुँच सकता। लिहाजा ये बात मुसल्लम है कि आप अलैहिस्सलाम तमाम लोगों से ज़्यादा अक्लमंद, सखी, कशादा दिल, हयादार और बहादुर थे। इस दुनिया से बेरगबत और सब लोगों से ज़्यादा इनकिसारी करने वाले आप अलैहिस्सलाम अपने घर वालों की उनके कामों में मदद करते, अपने कपड़े खुद सी लेते और अपने काम खुद करते, मुसलमान और गैर मुसलमों से मिलने तशरीफ़ ले जाते और उनके मरीज़ों की इयादत करते, उन्हें नेकी की तरफ बुलाते। आप बात के सच्चे, पुख्ता इरादे वाले, इंसाफ करने वाले और कमज़ोरों पर बेहद मेहरबान थे, औरतों और बच्चों के लिए इंसाफ से काम लेने वाले थे, हत्ता कि आपकी रहमदिली में जानवरों के लिए भी हिस्सा था, यहाँ तक कि इतदाल पसंद गैर मुस्लिम भी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हुए, हत्ता कि उनमें से एक जर्मनी के जोहान गोटा ने कहा, हम यूरोपियन लोग अपनी तमाम तक अक्ल व वसाइल के बावजूद इस मेराज तक नहीं पहुंच सके जहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसाई हुई। और एक और गैर मुस्लिम जॉर्ज बर्नार्ड शो कहते हैं कि हर तालीम याफ्ता शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज फ़िक्र का ज़्यादा मोहताज है, बल्कि इनमें से एक टॉलस्टॉय आलमी अदीब जो है वो यहाँ तक कह देते कि मोहम्मद की शरीयत अक्ल व दानाई के मुताबिक और हम आहंग होने की वजह से जल्द ही पूरी दुनिया में अमन व अमान का दौरा कर देगी। आपकी मदद के लिए हमें आपकी कदर व मंजिलत पहचानना ज़रूरी है और हमें चाहिए कि हम उनके फवाइल और अखलाकियात को लोगों में फैलाएँ, उनकी पैरवी करें और उनके अहकाम को बचा लाएँ, और हमें आपकी शरीयत का दिफा करना चाहिए और उसके बारे में पैदा किए गए शुबहात को दूर करना चाहिए। हासिल ये है कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ यही फजीलत होती कि आप रब का पैगाम इसके बंदों तक पहुंचाते और बंदों को रब का तारफ करवाते तो ये भी इतना अजीम एहसान होता कि दुनिया उनका शुक्रगुजार होती और इंसानियत उसका बदल ना चुका सकती। आप उम्र भर अपनी उम्मत को खैर बांटते रहे और सिर्फ इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि अपने रब से अपनी उम्मत के लिए क़यामत के दिन सफारशी बनने की भी दरख्वास्त की और आप अल्लाह ने सच फरमाया, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा।